हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मणिपद में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो 1111 पोर्टल है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन से नए द्वार आपके लिए खोले जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या हैं, प्लस क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं। तो ये सब कुछ आज की रीडिंग में मैं देखूंगी। हालांकि ये टॉपिक्स मैंने अलग अलग रखे थे कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, लेकिन दो टॉपिक्स जो हैं वो कई सारे लोगों ने चूज किया, तो मुझे लगा कि दोनों को एक में ही ऐड कर देना चाहिए और वीडियो लेकर आना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, लेकिन सभी के सवालों के जवाब तो कम से कम मिलेंगे। तो ये मैं टॉपिक आज लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। पिक अ कार्ड रीडिंग है, तो कार्ड्स मैं आपके सामने ही शफल करके निकालने वाली हूं। तीन कार्ड्स में निकालूंगी और पेबल्स भी रखूंगी, तो जो भी आपको ठीक लगे ना वो आप चूज कर सकते हो। ओके, लेट्स सी के क्या कार्ड निकल कर आता है। पहला आया है आपके लिए ड्रम। ओके, सो ओके अभी दिख रहा होगा, तो ये आपका कार्ड रहा। उसके बाद एक और कार्ड निकालते हैं। ओके, ये तो एक जैसे ही आ रहे हैं, एरो। ऑलराइट, ये आपका दूसरा कार्ड हुआ। ओके, लॉर्ड, ये पहला वाला मैं ले रही हूं, ये वाला नहीं ले रही। ओके, ये आपका तीसरा कार्ड होता है। और मैं एक काम करती हूँ, चार रख लेती हूँ कार्ड, फोर कार्ड रीडिंग करती हूँ। चलिए, ओके, स्पिरिट फॉक्स, और ये आपका चौथा कार्ड है। ऑलराइट, तो ये रहे आपके ऑप्शंस, और इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली आपको पता ही है तरीका क्या है, मेडिटेट करें इन पर कुछ देर के लिए, उसके बाद जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता हो वो आपने सिलेक्ट करना है और फिर देख लेनी है आपको आपकी रीडिंग। ओके, अदरवाइज आप चिट बना सकते हैं, मैंने चिट का भी ऑप्शन आप लोगों को बताया है, समझाया कैसे करना है, जो मैं किया करती थी पहले। चार चिट्स बनानी है पेपर की, 1 2 3 करके, और उनको फोल्ड कर देना है। उसके बाद जिनको भी आप मानते हैं उनको प्रे करना है, आंखें बंद करना है और एक चिट उठा लेनी है। तो जो भी नंबर आ जाता है, मान लो एक आ गया तो आपने, इसका मतलब है कि ये वाले कार्ड की रीडिंग देखनी है, दो आ गया तो इसकी, इस तरीके से, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया, और ये दोनों ही तरीके आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप इनिशियल्स पर जा सकते हो। वैसे मैं यही कहूंगी कि जो मैंने दो ऑप्शंस दिए हैं तो इंट्यूशन से आप चूज करिए, अदरवाइज आप चिट्स बनाइए, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ मौका तो दीजिए यूनिवर्स को कनेक्ट होने का। कई सारे लोग हैं जो मौका ही नहीं देते, उनको बिल्कुल कुछ बहुत ही इजी सा चाहिए है स्पिरिचुअल जर्नी पर, लेकिन वो जरा भी अपनी इंट्यूशन पर फोकस नहीं करना चाहते। सो अगर ये दो ऑप्शन आप चूज करते हैं ज्यादा बेटर होगा, आगे आपकी मर्जी, जो भी आपको ठीक लगे। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के जैसे आपने नहीं देखना है। ये जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग नहीं है, तो इसको आपने अभी ही देखना है। हाँ, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपके लिए पेबल्स भी रख देती हूँ, तो अगर आपको कार्ड्स को सिलेक्ट करने में दिक्कत हो तो आप ये पेबल्स चूज कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को पेबल्स अट्रैक्ट करते हैं उनके एनर्जीज की वजह से। ओके, तो आप इनमें से एक पेबल या तो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं ऐसे थोड़ा पास में लगा देती हूं ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें, ये लीजिएगा। ओके, ज्यादा टाइम लगता हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
या वीडियो पॉज कर सकते हो एंड देन एक कार्ड या पेबल सिलेक्ट कर सकते हो. ओके चलिए रीडिंग शुरू करें. चलो ऑल द बेस्ट. हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला पेबल सिलेक्ट किया है, ये है ब्लू ऑनेक्स. इसमें लिखा क्या है, कार्मिक लिखा हुआ है. एंड जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है जो कि है ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो ये कि कौन सा द्वार खुल रहा है आपके लिए और साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. उसके बाद फिर हम आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे और उसके लिए मैंने चिप्स बनाई हुई हैं, आपको पता ही है ये वाले चिप्स हैं, तो ये मैं देखने वाली हूं. यहां से हमें पता लगेगा कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो. ओके चलो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग. और आज जो कार्ड्स मैं यूज कर रही हूं पहले वो ये वाले करूंगी. ओके गाइज, मैं सारे कार्ड्स एक साथ ही निकालती हूं, तो अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो. ओके और जिनको अच्छा लगता है ये देखना वो देख सकते हैं. बहुत धैर्य रखा है आप लोगों ने, बहुत ही ज्यादा. जो भी जर्नी रही है, जैसे भी है, इस जर्नी ने जो बदलाव आपके अंदर लाया है ना, वो है धैर्य को लेकर. हो सकता है पहले आप धैर्य नहीं रख पाते हो, बहुत जल्दबाजी होती हो आपको हर एक चीज की, वो चीज मैं देख रही हूं यहां पर. Seven of Wands. Three of Wands. Seven of Pentacles. Okay. सिक्स ऑफ कप्स. द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, एस ऑफ प्लेट्स. ओके द डेविल. ऑल राइट, जिन लोगों ने भी इस ब्लू ऑनिक्स को एंड ड्रम को चूज किया है उनको एक संदेश मैं अभी देना चाहूंगी कि आपको जिस जगह पर पहुंचना था ऑलमोस्ट आप वहां पर पहुंच ही चुके हो. ठीक है, बस थोड़ा और आपको काम करना होगा और जो डेस्टिनेशन आपके लिए यूनिवर्स ने सोच कर रखा था, बनाया हुआ था ना, वहां पर पहुंच ही रहे हो आप. ठीक है, आपकी आपके जीवन के जो भी दुख तकलीफें हैं वो अब आपको छोटी लगने लग जाएंगी. ये तो मैं नहीं बोलूंगी कि आएंगे नहीं कभी, ये दुख दर्द होंगे लेकिन आप इनकी रियलिटी को समझ जाओगे. जैसे कि मैं बोलती हूं ना कि अगर कोई भी तकलीफ आपके जीवन में आती है तो उसको तकलीफ की तरह नहीं, उसको लेसन की तरह लो. राइट, मैं सभी को बोलती हूं,
तो वो चीज आपको समझ आ जाएगी। अब कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके सामने आती है ना, तो आप उससे विचलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, उस जगह पर आ गए हो आप। और बहुत मेहनत आपने करी है और यूनिवर्स ने बहुत कुछ, कई सारे ऐसे चैलेंजेस दिए हैं जो कि पेनफुल रहे हैं, बट कोई नहीं, आपको यहीं पर पहुंचाना था, इसलिए ये था। ओके, तो मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि अभी तक आपके जीवन में हुआ क्या है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सुने, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगी क्योंकि यूनिवर्स मुझे बोल रही है ये करने के लिए। ब्लैक 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 ऑब्सीडियन। एपेटाइट। ओके, सो ये रहे आपके कार्ड्स, और कुछ कार्ड्स में और देखूंगी अगर मुझे जरूरत होती है बाद में, पहले इनको अच्छे से समझ लेते हैं। ऑल राइट गाइज, तो जिन्होंने ब्लू ऑनिक्स को एंड ड्रम को चूज किया है, शुरू करते हैं उनकी रीडिंग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के इनिशियल्स बताना चाहूंगी जो मुझे दिखे हैं, जरूरी नहीं कि वो सभी से रेजोनेट करें, लेकिन फिर भी हो सकता है आपकी नाम का पहला अक्षर ए हो, ए एम एस टी एल यू क्यू, क्यू से कौन सा नाम है, डब्ल्यू वी, ये इनिशियल्स मुझे दिखे थे जब मैं शफल कर रही थी तभी और अभी भी। और वही अगर मैं राशियों की बात करूं, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस लियो कैप्रिकॉन स्कॉर्पियन एनर्जी भी दिख रही है, पाइसेंस भी दिख रही, पाइसेन एनर्जी भी महसूस हो रही है, तो ये भी हो सकता है। और जरूरी नहीं कि ये राशियां सभी से रेजोनेट करें, लेकिन करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती तो कोई बात नहीं, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ये पूरी तरीके से आपकी है। ओके, तो अब भाई हम शुरू करते हैं आपकी जर्नी के बारे में बात करना। आई थिंक बचपन से आप स्ट्रगल कर रहे हो, अभी से नहीं, बचपन से हेल्थ इश्यूज आपको रहे हैं, स्पेशली डाइजेशन को लेकर, एंड डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसमें हमेशा ही कोई ना कोई इश्यू रहा है, एंड आपको हो सकता है माइग्रेन रहा हो। ओके, एंड उसके बाद आई थिंक आपकी जर्नी उससे, ओके, हेल्थ का तो मुझे लग रहा है आपको बचपन, बचपन से मेरा मतलब है जब आप बहुत छोटू से होगे ना, नन्नू से होगे, तब से ये है, लेकिन फिर जब आप स्कूल गए, स्कूल से फिर जो जर्नी आपकी शुरू हुई है ना, ये बहुत मुश्किल रही है। मुझे नहीं लगता कि स्कूल में आपके अच्छे फ्रेंड्स बने होंगे, सभी ने आई थिंक आपको तंग किया, सभी ने परेशान किया, एंड टीचर्स के साथ भी हो सकता है आपकी बहुत ज्यादा ना बनती हो क्योंकि आप बोलते बहुत तीखा हो, ये चीज मैं देख रही हूं। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत बोलते हो, लेकिन सच्ची बोलते हो लेकिन तीखा बोलते हो, सी कॉम्बिनेशन देखो, या तो चुप रहोगे और या फिर तो बोलोगे तो ऐसा बोलोगे कि सामने वाला बिल्कुल छिन्न भिन्न। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आई थिंक स्कूल टाइम से ही आपके ना तो अच्छे फ्रेंड्स बने हैं, जो भी बने हैं वो शायद आपको नीचा ही दिखाना चाहते हैं, हमेशा इंसल्ट ही करते हैं, और जो आपके
आपसे बड़े होंगे, लाइक आपके टीचर्स हो गए या आपके सीनियर्स हो गए, तो उनके साथ में भी आपकी नहीं बनती थी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप बोल दिया करते थे, और कोई रीजन नहीं है, यही है कि आप बोल दिया करते थे। उसके बाद फिर कॉलेज की भी जर्नी आपकी ऐसी ही रही, बट मैं ये देख रही हूं कि शायद कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपको कोई व्यक्ति मिला हो, कोई तो मिला है आपको उस वक्त, और उसके साथ आपकी जर्नी रही है, बहुत अच्छी नहीं रही लेकिन ठीक है। उसके साथ में जर्नी आपकी ऐसी रही कि बन रही है या फिर नहीं बन रही है, बन रही है या फिर नहीं बन रही है, आप दोनों ही कंफ्यूज थे इस कनेक्शन को लेकर, बट फिर वो कनेक्शन आपका चला नहीं, वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपकी जर्नी धीरे धीरे करके चलती गई। अब अगर आप लोग मैरिड हैं तो मुझे लग रहा है कि शादी भी आपकी जिस पार्टनर से हुई है वो आपको सही नहीं लगता, वो पार्टनर, क्योंकि वो सच में आपके लिए सही नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है डिवोर्स तक की नौबत आ गई हो, और कुछ लोगों के लिए अगर डिवोर्स की नौबत नहीं आई है तो आप खुश नहीं हो बिल्कुल। शायद शादी के कुछ हफ्तों बाद से ही आपको कुछ चीजें ऐसी पता लगी जो कि आप स्वीकारना नहीं चाहते थे। और अगर आप अनमैरिड हो और किसी कनेक्शन में हो या किसी को पसंद करते हो, तो उसमें आपने इतनी एनर्जी लगाई हुई है कि आप खुद क्या हो वो तो आप भूल ही गए, एंड सामने से भी कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। दिया आपने बहुत ज्यादा है हर किसी को। मैं यहां पर ये भी देख रही हूं कि हो सकता है कि आपको ड्रीम्स वगैरह आते हों, जैसे कि यहां पर ये रिचुअल का कार्ड हो गया, एंड यहाँ पर ये जो हाई प्रिस्टेस है ये हो गया, तो हो सकता है आपको ड्रीम्स या विजन्स वगैरह आते हो, आप मुझे बताइएगा, जैसे आपने स्पिरिट्स को देखा हो, ओके, एंड कभी डार्क एनर्जीज को महसूस किया हो, या फेरीज को महसूस किया हो, एंजल्स को महसूस किया हो, या फिर ये नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते हो। आप आई थिंक इस बारे में बात भी अगर लोगों से करते हैं तो लोग आपको नहीं समझते, मजाक उड़ा देते होंगे, ये नॉर्मल है, ये सभी करते हैं। देन आई थिंक आपने बात भी करना छोड़ दिया लोगों से। सी, शुरुआत में आपने कोशिश भी करी बताने की लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं कोई फायदा नहीं है, छोड़ देते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल चुकी हूं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी झुकाव है आपका, अभी भी है और पहले भी था, अभी भी है, लेकिन मैं यहां पर देख रही हूं कि हो सकता है कि लोगों की वजह से आपके मन में ये डाउट्स आते हो कि पता नहीं आप सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। लगातार तकलीफें मिलने की वजह से हो सकता है आपको ये लगता हो कि ये मेरी किस्मत है और ऐसे ही है, मुझे हमेशा सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करके ही आगे मेरी जिंदगी निकल पाएगी। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद है एक योद्धा आपके अंदर जो आपको हमेशा खड़ा कर देता है, आप गिरते हो बार बार और फिर खड़े हो जाते हो कि ओके मुझे फाइट करनी, मुझे फिर से फाइट करनी है। सी, आप लोगों को जवाब देते हो, आप अपना पक्ष रखते हो, इतना सब कुछ झेलने के बाद, जबकि कोई सपोर्ट में है ही नहीं, फ्रेंड्स नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में आए तो उसका साथ भी नहीं मिला, उसने सामने वाले ने भी आपको कमतर ही समझा, आप हमेशा देने की सोचते रहे, आपने किया भी लेकिन सामने से कुछ आपको रिसीव नहीं हो उसके बाद भी, और ये मानते हुए कि हाँ ये मेरी किस्मत है, फिर भी आप लड़ने के लिए खड़े रहते हैं, फिर भी आप खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि इस तकलीफ के जरिए है, अब मुझे दूसरों तकलीफ के जरिए मुझे ये सीखना है कि मैं दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट करूं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है आप कोई लॉयर बनना चाहते हो या कोई भी ऐसी पोस्ट पर आना चाहते हो जिसके जरिए आप दूसरों को हेल्प करना चाहते हो, या फिर आप हीलर बनना चाहते हो, स्पिरिचुअल हीलर, जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे लग रहा है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद कार्ड रीडिंग शुरू कर दी हो या रेकी हीलर बन गए हों, ओके, कि जो चीजें मैंने झेली हैं मैं दूसरों को नहीं झेलने दूंगी या झेलने दूंगा, तो ये हो सकता है, ये सारी चीजें रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं इस कार्ड को देखूं, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत से लोग हैं आपकी फैमिली में, कम ही हैं, हो सकता है आप ओनली बेबी हो आपके पेरेंट्स के, या फिर हो सकता है आपकी कोई सिस्टर हो,
जिस दो लोग ही हैं, और उथल पुथल तो है आपके घर में, आपके पूरे, सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे, मैं देख रही हूं आपके सिर्फ कार्ड्स, लेकिन यहां पर दिखाई दे रहा है कि सभी के साथ ऐसा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कई सारे सीक्रेट्स हैं। अब ये आपके घर से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी और से, किसी और व्यक्ति से जुड़े हुए हो, वहां पर ये सीक्रेट्स हैं। कुछ तो है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि खुलकर सामने आपके नहीं आई हैं, या फिर आपको उनसे दूर रखने की कोशिश करी जाती है। आपको पता है कि ये सब क्या है, लेकिन पूरी तरीके से जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए वो शायद नहीं है। मतलब अंदाज़ आपको ऐसे महसूस होता है कि कुछ है जो नहीं पता मुझे। हर वो व्यक्ति जो आपसे मिलता है वो आपको तोड़ने की कोशिश करता है। बहुत बदतमीज होते हैं लोग। पता नहीं, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूं, लेकिन मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे नहीं पता किसकी रीडिंग है, आप लोग प्लीज बताइएगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इसे देख के। ऑल राइट, तो बताइएगा कि कितना रेजोनेट आपसे कर रहा है। मैं और कार्ड्स देखना चाहूंगी, क्या है ये। हैंग्ड मैन, कैसे उछल कर आया ये कार्ड। अभी भी आप अटके हुए हो, ये किसी रिश्ते में या तो अटके हो, कोई डिसीजन आपको लेना है, या फिर ये आपके अवेकनिंग को लेकर है। लेट्स सी ये हैंगमैन क्यों है यहां पर। मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये रीडिंग चूज करी है, जिन लोगों ने भी, वो फीमेल कैटेगरी में ही है या फेमिनिन एनर्जी में है। ऐसा है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपको लॉस सा महसूस हो रहा है, राइट, कि कुछ है ही नहीं, रिश्ते भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है, फाइनेंशियली भी आप इतने स्टेबल नहीं हो। हर तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ बचा ही नहीं, किसी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। आप इस लड़की को अगर देखोगे, सी इसके कपड़े किस तरीके से फटे हुए हैं, और इसको कई जगह निशान है, ये चोट सी लगी हुई है, तो हो सकता है आपको अब्यूज किया गया हो। पता नहीं आप कैसे आप सरवाइव करे हो। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पास घर भी नहीं है, और मतलब घर है लेकिन नहीं है, घर होते हुए नहीं है, ऐसी है सिचुएशन। ओके, तो हो सकता है आप मैरिड हो, और अब क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रह रहे हैं, अगर अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं तो वही चीज हो जाती है ना, कहने वाले यही कहते हैं तुम तो बेघर हो, मतलब ये घर तो तुम्हारा है नहीं, वो घर भी नहीं रहा, तुम बेघर हो गए, है ना, लोगों का कहना ये होता है। तो हो सकता है वो चीज आप महसूस करते हो, अगर आप फीमेल हैं तो बेशक ये चीज आप कर रहे हो महसूस, क्योंकि हम लड़कियों में क्या हो जाता है कि ओके हम अपने माँ बाप पर भी बोझ नहीं बन सकते ना, वो चीज हमारे माइंड में हमेशा रहती है। तो अगर हमारे पार्टनर की फैमिली से हमारी नहीं बन रही है, तो हम इधर आकर भी अपने अपने पेरेंट्स के पास आकर भी खुश नहीं रह पाते, राइट। और अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपकी नहीं बन रही है इस सब के चलते, और आपकी जबरदस्ती किसी से शादी वगैरह करवाई जा रही है, तो आपको लग रहा है कि ओके मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं और मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं, तो मेरी कोई वो वैल्यू नहीं है, जिसको जो मन कर रहा है वो मेरे साथ किया जा रहा है, राइट। ये चीज है। मुझे यहां पर ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आप के जो पेरेंट्स हैं, पता नहीं आप, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा, आप हो सकता है आप के पेरेंट्स ना हो, आपको गोद लिया गया हो, या फिर कोई एक है जो अलग है। ऐसा हो सकता है कि आपके फादर आपके नहीं है, मॉम आपकी है, या मॉम आपकी नहीं है, फादर आपके हैं, उस तरीके से मैं बता रही हूं, तो वो भी एक हो सकता है पॉइंट। ओके, फाइव ऑफ कप्स सी, तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना,
एक एक करके चीजें आपकी जो भी हैं आपसे दूर होती चली जा रही हैं, और कहीं ना कहीं आप खुद उनको दूर कर रहे हो क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, राइट? इसीलिए आपके लिए सेक्रीफाइस का कार्ड आया था। खुद आपसे डिमांड्स ऐसी कर ली जाती हैं कि बेटा ये करो, ये करना पड़ेगा, फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा। और आपके पास जो है आप उसको भी, सी यहां पर अगर आप देखोगे एक होल है और ये लड़की खुद अपने इस बॉल में इसे पैर डाले हुए है और इसमें जो पानी है ना वो इसमें जा रहा है, मतलब इसने खुद ऐसा उल्टा कर दिया उसको, है ना? तो सिचुएशन ऐसी है कि आप खुद जो आपके पास प्रपोजल्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उनको ऐसे मार देते हो धक्का कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आउटकम इसका क्या होगा। आप लोगों से पूछोगे, घर वालों से या फ्रेंड्स से, तो कोई है ही नहीं आपका अपना जो आपको बताए। अगर कुछ लोगों के घर वाले हैं भी साथ तो आसपास के लोग नहीं है, तो आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स अकेले क्या कर लेंगे, राइट? वो चीज है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। फोर ऑफ कप्स, सारे कप्स खाली हैं, इसको लग रहा है कुछ नहीं है, सब चला गया। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। मैं इस बारे में गाइस बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मैसेजेस मिले कि मैं करूं, इसलिए कर रही हूं। मुझे पता है आपको भी सुनना पसंद नहीं होगा, ये चीजें ट्रिगर करती हैं, बट मुझे नहीं पता कि यूनिवर्स ने ये क्यों कहा कि मैं ये चेक करूं और मैं एक्सप्लेन करूं। जस्ट मैंने किया है, यहां पर द डेविल का कार्ड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति की वजह से चीजें पलट गई हैं। उससे पहले तो फिर भी था, तो मुश्किलें तो तब भी थी, बचपन से ही है वो, तो मैंने आपको बताया स्कूल टाइम से ही दिक्कतें चल रही हैं आपके। लेकिन इस एक व्यक्ति के जीवन में आने से और उथल पुथल हो गई है, द डेविल की एनर्जी के साथ ही। बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर का है कोई भी है, ये फीमेल भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर एक मेल दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं है, ये एनर्जी है एक्चुअली, ठीक है? तो कोई फीमेल भी हो सकती है जिसके अंदर ये एनर्जी है, और इसकी वजह से चीजें और ज्यादा बिगड़ने लग गई हैं आपके जीवन में। जो रेपुटेशन थी वो भी चली गई, एंड अभी आप पूरी तरीके से मेहनत वही कर रहे हो कि किसी तरीके से वो रेपुटेशन आपकी वापस आ जाए। आपने बहुत प्रयास भी किया, आपने बहुत कुछ ट्राई किया है, मैं देख रही हूं, आपने स्पेल वर्क भी किया है, बहुत कुछ किया है। सी आपको किसी ने कोई ऐसा जवाब आज तक नहीं दिया जो कि आपको संतुष्ट करे, है ना? दिख रहा है मुझे। ऑल राइट, तो ये 11/11 जो पोर्टल है ये क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए, कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए? आपको क्लैरिटी मिल रही है गाइस, जो कि मैंने बिल्कुल लास्ट में कहा कि आपको जवाब नहीं मिला किसी से ऐसा जो कि आपको संतुष्ट करे, जिससे आपको सफाई मिले, तो वो मिलने वाली है। मैं यहां पर देख रही हूं कि इस पोर्टल के बाद में आपका जो एक वो नेचर था ना, हर वक्त कुछ ना कुछ देते रहने का, वो चेंज हो जाएगा। आपको ये समझ आएगा कि ओके, जितनी मेहनत मुझे करनी थी मैं कर चुकी, अब मेरे लेने का टाइम है। तो आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद ही एक्शन लेंगे। इससे पहले हो सकता है कि आप प्रेशर में काम करते हो, जो कि मैंने कहा सेक्रीफाइस का भी यहां पर आया है कार्ड, एंड यहां पर किस्मत को लेकर भी बात करी गई है। तो हो सकता है इससे पहले आप इस एनर्जी में आ गए थे कि ओके, जो किस्मत में है वो तो मिलेगा ही, और ओके मुझे सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, हर चीज हमें जीवन में नहीं मिल जाती। तो उस एनर्जी को आप बिल्कुल चेंज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अब आप किसी के मन की नहीं करोगे, करोगे, लेकिन सोच समझ कर कि इसमें मेरा क्या फायदा है, सामने वाले का क्या फायदा है। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और की सुनकर अपनी जिंदगी खराब कर रही हूं, तो वो आप करने वाले हो। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इट मीन्स एक एक पग आप संभाल संभाल कर रखोगे। ऐसा नहीं है कि बस इमोशनल होकर कुछ भी कर लिया, ठीक है? तो ये जो पोर्टल है ये आपको इस तरीके से लेसन्स देगा, और ये लेसन्स आपको मिलेंगे कैसे, शुरुआत कैसे होगी, ये देखते हैं। मैं आपको जस्टिस पाते हुए देख रही हूं, क्लैरिटी पाते हुए देख रही हूं, बैलेंस पाते हुए देख रही हूं। यूनिवर्स यहां पर एक मैसेज भी आपको देना चाहती है, वो ये कि जब हम कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं ना, कई बार पुरानी चीजों से, तो हम कैसे नया बनाते हैं, उसको तोड़कर, कई सारी चीजों को इकट्ठा करके, है ना, उनको फिर मिक्स करके फिर कुछ नया बनाते हैं, राइट? कि एक नया रूप निखर कर आए। मान लो आपके घर में मिट्टी का कोई घड़ा है या कोई बर्तन है, आप उसको नया बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप उसको तोड़ोगे, है ना, फिर उसको एक पानी में डालोगे, भिगोने के बाद में, उसके बाद फिर उसको एक नया शेप दोगे, और सारी चीजें मिक्स करने के बाद।
तो वही सारी चीजें यूनिवर्स ये कह रही है कि वही जो प्रक्रिया है आपके साथ अपनाई गई है। आपको ये जो इतने दुख और तकलीफें मिली है ना, वो सिर्फ इसीलिए मिली है क्योंकि आपको एक नया रूप देना था यूनिवर्स को। और ये क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी कुछ देर में, ऐसा क्यों है। ये किसी बुक के जरिए होगा, आप कोई किताब पढ़ने वाले हो गाइस, ये कोई किताब है आपकी, आप पढ़ेंगे और उससे आपको इतना असर बैठेगा कि आप एक नई जर्नी पर चल दोगे, नए तरीकों से, सिद्धांतों से। अब मैं ये देख लेती हूं कि ये लेसन क्यों दिए जा रहे हैं आपको, रीजन क्या है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो हो सकता है कि आपका सोल पर्पस किसी से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि आपके लिए अवेकनिंग का भी कार्ड आया है। सो लेट्स सी। यस, मैंने बोला था ना, है आपके मन में कहीं ये इच्छा कि आप लोगों को हील करें, ये है आपके मन में इच्छा। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यूनिवर्स ये सब कुछ आपको दिखा रही है। ये होता है हम हीलर्स के साथ, हम तभी किसी और के दुख को समझ पाते हैं जब वो दुख हमें मिले। तो हो सकता है कि आपके मन में हमेशा ये इच्छा रहती हो कि आप लोगों को तकलीफों से बाहर निकालें। अगर आप मैरिड हैं और आप ऐसी औरतों को देखते हों जो कि पीड़ित हैं, और आई एम सॉरी, और उनको हर्ट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, और वो फाइट नहीं कर पा रही हैं, तो आप हमेशा मन में ये सोचते होगे कि अरे ये ऐसे बोल देती तो क्या होता, अरे इसका ये ठीक हो सकता था। तो वो एक चीज रहती है मन में। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आपके मन में ये इच्छा जागे ना कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो समझ जाइए कि यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि आप वो करें। ऐसे कई लोग कहते हैं ना, अरे इस एरिया में सफाई नहीं है, सफाई होनी चाहिए थी, इसका मतलब है कि आप शुरू कर दें। कोई भी ऐसी प्लानिंग करें या टीम वर्क करें जिससे कि उसको सफलता मिले, जो आपके मन में आया है उसको आप पूरा करें, ठीक है। तो वो चीज है, तो कहीं ना कहीं आप चाहते थे लोगों को हील करना, और इसीलिए यूनिवर्स आपका सोल टाइप ऐसा है गाइस, सपोर्ट। यही यही तो नहीं मिला ना आपको जीवन में, सपोर्ट ही नहीं मिला। कुछ लोगों को तो माँ बाप का मिला है, कुछ लोगों को माँ बाप का भी सपोर्ट नहीं मिला। तो आपको पता है कि जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो कैसा लगता है, राइट। तो अब जब आप लड़ोगे ना इसके लिए, दूसरों को सपोर्ट देने के लिए, और वो कैसे सपोर्ट पाए लोगों का इसके लिए, जब आप लड़ोगे ना तो दिल से लड़ोगे, दिखावे से नहीं लड़ोगे। प्रैक्टिस, कुछ तो है आपके अंदर ऐसा, कुछ तो यूनिवर्स ने आपको ऐसा दिया है। जैसे कोई भी गिफ्ट हो सकता है, हीलिंग का एंड रीडिंग का, एंड हो सकता है आप बोलते बहुत अच्छा हो सकता है आप लिख बहुत अच्छा लेते हो, राइट, हो सकता है आप दूसरों पर प्रभाव अच्छा बना लेते हो। कुछ तो आपको मिला है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स चाहती है कि आप उसे प्रैक्टिस करें। तो जिस तरीके की लाइफ सभी सोचते हैं ना, जैसे आपके पेरेंट्स ने भी सोची होगी, आपने भी सोची होगी, हाँ मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, उसके बाद मुझे मेरा प्रिंस मिलेगा, मेरी प्रिंसेस मिलेगी, है ना, फिर शादी होगी, बच्चे होंगे। तो अगर उस जिंदगी में आप पड़ जाते ना, तो इस गोल को कभी पूरा नहीं कर पाते। अब बेशक यहां पर लग रहा होगा कि ये तो फेयर नहीं है, बट आप हो ही दूसरे सोल, राइट। आप ये करने नहीं आए, आप उससे भी बड़ा कुछ करने के लिए आए हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी या आप एक अच्छी मैरिड लाइफ नहीं पाओगे, बिल्कुल पाओगे, लेकिन पहले अपना सोल पर्पस समझने के बाद। आप पहले समझोगे और फिर जानोगे ओके मुझे इस पर काम करना है, फिर होगी आपकी शादी, या शादीशुदा हैं आप तो फिर आपकी मैरिड लाइफ सुधरेगी, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एहसास दिलवा दिया है क्या वो चीज है जिसके लिए आप यहां पर आए हो, क्या करने के लिए आए हो। ओके, तो इस पोर्टल में आपको इसी की जानकारी होगी, हो सकता है इस रीडिंग के जरिए ही हो, या फिर पर्सनली आप स्पिरिचुअली डायरेक्टली आप कनेक्ट हो यूनिवर्स से, और वो आपको किसी ना किसी तरीके से बताएं कि एग्जैक्टली क्या आपको चाहिए आपके जीवन में। ओके, तो एक न्यू जर्नी शुरू होगी, आप कुछ नया करेंगे। हो सकता है कि आप कोई चैनल क्रिएट करें, हो सकता है आप कोई कोई संस्था बनाएं, ओके, कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी कोई पोस्ट आपको भा जाए उसकी तैयारी करना शुरू करें। ओके, कोई डिप्लोमा आप लेना चाहें जिसके जरिए आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, कुछ भी नया करने का आप सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी।
ब्लैक ऑब्सीडियन अगर आप पहनेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों को यहाँ पर नाइटमेयर्स आते हैं। सो डोंट वरी, अगर आप इसको पहनते हो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसका एक कारण ये भी है कि आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो अंदर से। तो सीधी सी बात है, जब आप डिस्टर्ब रहते हो तो इस तरीके की जो एनर्जीज है आप उनको अट्रैक्ट कर लेते हो ना चाहकर भी। ऑलराइट, तो ये है आपकी रीडिंग, ये एक दरवाजा आपके लिए खुल रहा है और मैं आप सभी लोगों से चाहूंगी कि आप इस पर काम करें, इसको छोड़े नहीं। कई बार लोग ऐसा करते हैं, रीडिंग देखते हैं फिर ओके ठीक है करेंगे, फिर नहीं करते। तो करिए, यूनिवर्स यही चाहती है आपसे। ओके, अब ये भी देख लेते हैं कि और क्या आप रिसीव कर रहे हो। काफी सुंदर सी रीडिंग थी। अब मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि एक आदत आप छोड़ने वाले हो इसके बाद कि ओके आप ये चाह रहे हो। हाँ, आपकी मर्जी का हम करेंगे। हाँ ओके ठीक है, ये वाली। हाँ जी, हाँ जी वाली। अब इस बारी आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे रिसीव करना है, सिर्फ देना नहीं है, मेरा काम रिसीव करने का भी है। ये क्या मैं देती रहूं हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। दी सन, क्लैरिटी, हैप्पीनेस, और क्या चाहिए आपके लिए। सन का मैसेज आया है। ओके, उसके बाद यहां पर गिफ्ट, तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, हो सकता है वो किताब आपको कोई गिफ्ट में ही दे जो मैं आपको बोल रही हूं पढ़ने के लिए। पीस, आपको सुकून शांति मिलेगी। जर्नी, जो कि मैंने आपको बताया कि जर्नी पर आप निकल रहे हैं, एक न्यू जर्नी आपकी शुरू हो रही है। और यहां पर है डेटिंग, तो हो सकता है आप किसी को डेट करें। स्माइल, तो आपके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आने वाली है और हो सकता है अभी तक आ गई हो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। एंड गाइस, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आप लोगों के पास पुराने कपड़े हैं ना, जो आपने बिल्कुल पहनने छोड़ दिए हैं, तो वो आप हमारे एड्रेस पर भेज दीजिए। आपको एड्रेस मिल जाएगा कम्युनिटी सेक्शन में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूंगी, आप यहां पर भेज सकते हो। प्लीज उन्हें भेज दीजिएगा, क्योंकि सर्दियां जो शुरू हो गई हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको कपड़ों की जरूरत है, नहीं उनके पास बन पाते हैं कपड़े, तो हम नए कपड़े भी दे रहे हैं लोगों को और पुराने भी दे रहे हैं। जितना हो सकता है उतने इकट्ठे करके लोगों तक जाते हैं, उनको कपड़े वगैरह देते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं जो आप यूज नहीं करते हैं, आपके स्टोर रूम में पड़े हुए हैं, तो प्लीज हमें भेज दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी इस वाले पेबल को चूज किया है, इसमें लिखा है सोलमेट, और जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है एरो, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। लेट्स सी, तो मैं आपकी रीडिंग इन वाले कार्ड्स से शुरू करूंगी। चलिए ये देखते हैं गाइस, मैं कार्ड्स सारे एक साथ ही निकालूंगी। तो अगर आपको ये पसंद नहीं आता है कार्ड शफलिंग, कई लोग कहते हैं यहां से रीडिंग शुरू हुई, ऐसे कमेंट में डालते हैं, तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप देख सकते हैं। ओके, आपकी मर्जी। ओके, पहला कार्ड आपके लिए आया है सेलेनाइट। एक और देखते हैं भाई कार्ड। ओके,
बाय द बुक। गाइज, आप लोगों के पास अगर पुराने कपड़े हैं ना तो आप लोग हमें भेज दीजिएगा हमारे एड्रेस पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो कपड़े आप नहीं पहन रहे होंगे, स्टोर रूम में पड़े होंगे, किसी काम के नहीं है, वो किसी के काम आ सकते हैं अगर आप हम लोगों को भेज दोगे तो। अदरवाइज तो अगर आप वहीं पर दे देते हो लोगों को तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देते हो तो आप हमें भेज दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सर्दियां हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कपड़े हमारे पास हों। हम नए भी बाय कर रहे हैं और पुराने भी ले रहे हैं लोगों से, ताकि हम सभी की हेल्प कर सके। कई लोगों का ये रहता है सवाल कि हमारे कुरियर के चार्जेस पड़ रहे हैं तो हम इसलिए नहीं भेज रहे आपको। इट्स ओके ना गाइस, एक बार अगर पड़ जाते हैं चार्जेस तो। ऐसे तो हम भी बहुत दूर दूर तक जाते हैं लोगों को कपड़े देने के लिए, तो हमारा भी वो रेंट तो पड़ ही जाता है, राइट? तो हम उसके लिए क्या परेशान हो कि अरे रेंट पड़ गया ये वो, है ना? कई बार इतनी दूर जाते हैं कि हमें वहां रहना पड़ता है, फिर वहां पर पैसे पड़ते हैं जहां पर भी हम रहते हैं, होटल में या कहीं भी। तो अगर इस तरीके से सोचेंगे तो कैसे हेल्प हो पाएगी लोगों की, राइट? आगे फिर आपकी मर्जी, लेकिन बस आपसे कहना था क्योंकि हेल्प हो जाती है लोगों की। ओके, आपको एड्रेस मिल जाएगा, अदरवाइज आप मेल कर सकते हो, मेल पर आपको एड्रेस दे देंगे, ठीक है जी? ओके, यहां से भी मैं कार्ड्स निकालना चाहूंगी। ओके ओके एक कार्ड मुझे और देखना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ है। ठीक है। और राइट गाइस, तो ये हैं आपके कार्ड्स, मैं जरा इनको सेट कर देती हूँ, कुछ थोड़ा मुझे मेडिटेट भी करना है, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, चलिए। ऑल राइट, पाइल नंबर टू। विच डोर इज ओपनिंग फॉर यू? ओके, तो आपकी सिचुएशन गाइज मुझे देखकर ऐसी लग रही है कि ओके, जैसे किसी को बिजनेस करना हो, तो उसके पास क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो साहस, पैसा और कोई एक प्लान, आइडिया, राइट? तो अगर किसी एक भी चीज की कमी हो तो वो अपने काम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं सकता या चला नहीं सकता, राइट? वो चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे या तो आपके पास आइडिया है, पैसा नहीं है या साहस नहीं है, ओके, तो आप अटके हो। या फिर तो आपके पास पैसा है, साहस है तो आइडिया नहीं है, या फिर आपके पास पैसा है, आइडिया है और साहस नहीं है। मतलब कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप जो करना चाहते हो और जो करने के काबिल हो वो कर नहीं पा रहे। ये रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है। हो सकता है आपके जीवन में दो लोग हों, एक के साथ आपको बहुत गहरा कनेक्शन लगता है, सोलमेट कनेक्शन लगता है, बट उसके साथ आप रह नहीं सकते, और जिसके साथ आप हो उसके साथ में आपको कनेक्शन नहीं लगता, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर अगर देखा जाए तो वो कनेक्शन अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं अभी तक और आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में है लेकिन ना होने के बराबर। तो इस तरीके की सिचुएशन है कि जिसके लिए आप यूनिवर्स को कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपको ये बोला जाए कि भाई यूनिवर्स, आपकी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई जिसके लिए आप यूनिवर्स को ब्लेम करोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास है जो हम चाहते थे, लेकिन हाँ एग्जैक्टली वैसा नहीं है, तो इसके लिए हम यूनिवर्स को नहीं कह सकते क्योंकि हम खाली भी नहीं है, राइट? वो चीजें हैं आपके साथ और ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को आप बता नहीं सकते, या बताओगे भी तो सामने वाला ये कह देगा कि वेट करो, अच्छा टाइम आ जाएगा, राइट? ये है आपके सिचुएशन में। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि मान लो मेरे पास ये डेक है और इसका मैं ये ऊपर का निकाल कर
बॉक्स का और किसी और को फिट करूं, जैसे ये मैंने रख दिया और इसका हटाकर मैं इसको फिट करूं। ओके, तो बंद तो ये है ही, राइट? बंद तो है, ये है ही, लेकिन ये इसका नहीं है, तो एक कमी हमेशा रहेगी। तो वो चीज है आपके साथ। आई होप कि अब आप समझ पाए हो, सुरक्षित हो, आपको मिला भी वो है जो आप चाहते हो, लेकिन ये वो नहीं है। और ये आप समझा नहीं सकते। अगर आप किसी को कहोगे ना कि वो परफेक्शन नहीं है, वो फिट नहीं है, तो सब कहेंगे अरे बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, इतना नहीं होना चाहिए, जितना है उतने में खुश रहो, ये चीजें। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये बात ये है कि वो उसका है ही नहीं। आप किसी और के कपड़े पहन लो तो आप कपड़े तो पहने हो, लेकिन वो एहसास आपको नहीं होगा ना कि हाँ ये मेरे हैं। तो वो चीज है। अब जिनके साथ में ये हो रहा है वो तो इसको समझ रहे होंगे जो मैं रीडिंग कर रही हूं, जिनके साथ नहीं हो रहा है वो सोच रहे होंगे कि आप बोले जा रही है ये। लेकिन मुझे ये पता है ये क्या है, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने इसको फेस किया है, तो आई नो कि ये कैसा लगता है। ऑल राइट, तो अभी इस पोर्टल में क्या हो रहा है? इस पोर्टल में ये हो रहा है कि वही परफेक्शन जो आप हमेशा से चाहते थे ना, आपको मिलने वाला है। अब ये कैसे मिलेगा, ये तो यूनिवर्स की प्लानिंग होगी, बट फिर भी मैं देख लेती हूँ ये कैसे संभव है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो 9 ऑफ कप्स है आपके पास, और अगर यहां पर देखें आप ये, तो ये दोनों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये ओरिकल और ये कार्ड, ये दोनों कॉम्बिनेशन ये बताते हैं कि आपकी ये जो अधूरी विश है, इसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई चांस, कोई अपॉर्चुनिटी या कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, जिससे कि आप अपना ये काम पूरा कर पाओगे। ओके, और ये भाग्य है जो आपका साथ दे रहा है। तो देखो ये कोई व्यक्ति ही, अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई मिलने वाला है आपको। और जहां तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है फाइनेंशियली ही आप बहुत स्टेबल नहीं हो, अगर करियर की बात करें या पर्सनल लाइफ को देखें, तो हो सकता है वही व्यक्ति आपको चाहिए जिसके साथ आप संपूर्ण सा महसूस करो कि इमोशनल भी हो और फाइनेंशियली भी अच्छा हो। तो वो देख तो मैं रही हूं, बट फिर भी और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी। एंड हाँ, कई लोगों का की ये शिकायत होती है कि एक पाइल बड़ी है, एक छोटी है। गाइस, मैं कोई प्लानिंग करके रीडिंग करने नहीं बैठती। मुझे जिसमें जितना दिखता है ना, मैं उतना बताती जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई घड़ी लेकर बैठती हूँ कि हाँ मुझे इतने से इतने तक बोलना है, उसके बाद पाइल ऑफ कर दो, वो मैं नहीं करती। मैं भाई अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये नेचुरल है और इसको वैसा ही होना चाहिए। 5 ऑफ वैंड्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स, मैंने बोला था ना, ये कोई व्यक्ति है गाइस। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके साथ में आपकी पहले कभी बनी नहीं, या फिर जिसने आपको हर्ट किया, पॉसिबल है, या किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ऐसा है यहां पर। तो ये व्यक्ति वापस आपके जीवन में आएगा और आपको अपॉर्चुनिटीज इसके जरिए आप मिलेंगी। अब वो कैसे मिलेंगी वो आप देख लेना, लेकिन मैंने आपके सामने कंफर्म किया। देखो, पहले ही कार्ड था, मैंने आपको बता दिया था कि है कोई, और उसके बाद फिर मैंने कार्ड निकाले आपको कंफर्म करने के लिए कोई व्यक्ति है या फिर नहीं। तो हाँ जी, ये जो भी है इसका इन एंड आउट होता रहा है आपके जीवन में, लेकिन अभी जब ये आएगा ना, तो एक इस व्यक्ति का भी फायदा है आपसे जुड़कर, बात ये है, इसलिए भी ये आ रहा है। अब ये फायदा हो सकता है पहले भी हो, लेकिन शायद आप इतने पॉजिटिव नहीं थे या आप इतने अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं करते थे, तो ये टिका नहीं, बट अभी मैं इसको देख रही हूं टिकते हुए। ओके, ये करा तो है आपने मैनिफेस्ट, और यहां पर अगेन 9 ऑफ कप्स है, और आई थिंक आपने सरेंडर किया है, जिसकी वजह से आपकी ये विश पूरी हो रही है। तो ये एक नया दरवाजा आपके लिए खुल रहा है और खोला जा रहा है इस व्यक्ति के जरिए। वाटर साइन हो सकता है ये व्यक्ति, एंड काफी ज्यादा अलग अलग हैं आप दोनों एक दूसरे से, लेकिन कुछ चीजों में बिल्कुल सेम है, कुछ चीजों में, कुछ कुछ बातें, कुछ नियम, सोच है एक जैसी। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी एक जैसा नहीं है, लेकिन एक कनेक्शन लगता है, पता नहीं क्या है वो, आपको लगता होगा एक खिंचाव सा रहता है।
आपके माइंड में हमेशा ये व्यक्ति चलता रहता होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक इमेज है जो आपने बनाई हुई है, आप विजुलाइज करते हो कि ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो मेरा साथ दे, तो वो आपको सामने से आता हुआ दिखेगा रियलिटी में। ओके, तो ये होने वाला है। तो इस व्यक्ति के जरिए ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, और इस अपॉर्चुनिटी के जरिए वैसे तो भाग्य आपका वैसे ही खुल चुका है, लेकिन हाँ, इसको और बेहतर बनाने के मौके आपको मिलने वाले हैं। भाग्योदय है, कह सकते हैं इसको, भाग्योदय कहते हैं। तो वो चीज हो रही है, तो ये पोर्टल आपके लिए तो बहुत अच्छा है भाई। एक कार्ड में और यहां से देखूंगी। वैसे 80% मुझे ये लग रहा है कि ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, बट हो सकता है पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो कई लोगों के लिए, कि उनको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा एग्जैक्टली उन्हें क्या चाहिए, क्या चीज उनके लिए ज्यादा मायने रखती है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो दो लोगों में, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है दो ऑप्शंस हो, एक आपको फाइनेंशियली लगता है कि स्टेबल है और एक के साथ आपको एक इमोशनल कनेक्शन लगता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। और जहां तक मैं देख रही हूं, आप दिल की सुनने वाले हो, क्योंकि जो दूसरा मैंने ऑप्शन आपको दिया जहां पर आप खुद को फाइनेंशियली स्टेबल देखते हो, आई थिंक वो आपने जी कर देख लिया है, उस एनर्जी को आपने जी कर देख लिया है, और वो संतुष्टि आपको नहीं मिली तो आप इस तरफ आओगे, और क्योंकि आप चाहते हो तो ये चीजें हो जाएंगी। सब कुछ हमारी चाहत पर ही है, तो ये हो रहा है। अदरवाइज तो मुझे लग रहा है ये किसी लाइक करियर के लिए है, कई सारे लोगों के वो कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं और उनको नहीं मिल रही, तो मिलने वाली है फाइनली। डीप नोइंग वाई, कई सारे सवालों के जवाब अब आपको मिलेंगे। अगर आप अभी तक खुद को अधूरा समझते थे तो अब अधूरे नहीं रहोगे। स्पेशलिटी को लेकर हो सकता है कई सारे सवाल हो, आपकी लाइफ को लेकर, आपकी किस्मत को लेकर, आपके कनेक्शंस को लेकर, तो उन सभी के जवाबों के सवाल आपको मिलेंगे। यस, तो ये होने वाला है, ये जो डोर है आपके लिए खुल रहा है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, अगर ये बिजनेस को लेकर है तो मैं बहुत खुश हूं आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा। और अब ये जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि अगर इस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका नहीं रहा है तो इस वक्त आप फॉरगिव कर दो इसको। ओके, मैं वैसे ही बता रही हूं। ये एक पर्सनल एडवाइस है, तो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। अगेन, मैं फॉरगिव करने का मतलब मैं वो नहीं कह रही कि आप इनको अपनी जीवन में आ जाने दो, कोई बाउंड्रीज आप सेट ना करो, नहीं, वो नहीं कह रही। फॉरगिव करने का मतलब है कि आप एक नई शुरुआत करो, ये आपके करियर के लिए अच्छा है। ओके, वो बोल रही हूं। आप खटास रखोगे मन में, काम नहीं कर पाओगे, और यूनिवर्स चाहती है कि आप साथ काम करो, तो अगर ऐसा है तो आप करो। ये नहीं कि जिंदगी में आने दो और जिस तरीके से आप पहले इनके साथ थे वैसे ही हो जाओ, वो चीज नहीं मैं बोल रही हूं, लेकिन हाँ, इसको रोको मत, इस प्रक्रिया को माफ कर दो, भूल जाओ। और अभी क्या करना है, आपकी आंखें खुल गई है ना, अगर इस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो अभी आपकी आंखें तो खुली है ना, तो ठीक है, सावधानी अपनी रखो, अपना काम करो। ओके, ये आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। और करियर की बात आती है तो मैं लोगों को सलाह देती हूँ कि ये नाराजगी वाराजगी मत रखा करो, पर्सनल लाइफ की बात अलग हो जाती है, यहां पर आपको प्रोफेशनल होना होता है, राइट? तो वैसे ही सोचो, प्रैक्टिकल होकर सोचो एंड आगे बढ़ो। हाँ, अगर ये पर्सनल लाइफ की बात है तो मैं जरूर कहूंगी कि आप थोड़ा इमोशनल होकर सोचें। ओके, एंड उसके बाद भी अगर ये किसी का कमबैक है, मान लो किसी ने आपको धोखा दिया और वो कमबैक कर रहा है, तो जांच परख लो। इसीलिए यहां पर ऑब्जर्वर का भी कार्ड आया है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है तो भाई आपका दिल नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर आप चांस आराम से दे सकते हो, हाँ, नियम बनाते हुए। लेकिन पर्सनल लाइफ की अगर बात है तो वो जो चोट लगती है आपके दिल पर, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो वहां पर आप सोचो समझो, ठीक है। अगर आपको लगता है आप फॉरगिव कर सकते हो तो ओके, ठीक है, आपकी इंट्यूशन खुद आपको बता देगी। ऐसा नहीं कि चार लोग कह रहे हैं फॉरगिव करो, करना चाहिए, नहीं, मैं कह रही हूं, मेरे कहने पर भी नहीं, आप देखो सिचुएशन क्या है, राइट? यस, क्योंकि कई सारे लोग हैं मेरे जीवन में भी आए हैं,
जिनके साथ मेरा अच्छा नहीं रहा साइकिल बाद में आए, तो जिन लोगों को मैंने फॉरगिव किया है उनके साथ तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो डिपेंड करता है कि कौन कैसा है। अब मैंने उनको देख लिया था और समझ लिया था, आगे भी मैंने अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो किया। जिनके लिए मुझे लगा कि मुझे माफ करना चाहिए मैंने किया, जिनके लिए मुझे लगा कि मुझे माफ करके इनसे दूरी बनानी चाहिए तो वो मैंने किया। तो जिनको मैंने आने दिया है अपने जीवन में उनके साथ तो मेरा अच्छा जा रहा है सब कुछ। ओके, तो मैं उस बारे में बोल रही हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि फॉरगिव करने के बाद अगर आप किसी को आने दो अपने जीवन में तो बुरा ही होगा, है ना। तो वो आपने खुद देखना है, समझना है। मैं चाहती हूं कि आपको आपका अच्छा हो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, और अब देख लेते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं। गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, कंग्रेचुलेशंस, एंड हेल्प आपको मिलने वाली है, जो कि मैंने आपको बोला ही था, अब तो कंफर्म हो गया ना। मनी सी ठंठना, एंड यहां पर नॉलेज, आपको नॉलेज मिलेगी कई सारी चीजों की, एंड पाथ आपको मिलेगा आपका, एंड अबंडेंस आप रिसीव करने वाले हैं, और यहां पर है गिफ्ट, तो गिफ्ट आप रिसीव करने वाले हैं, एंड यहां पर है यूनियन, तो आपका यूनियन भी हो सकता है। तो ये होती है आपकी रीडिंग कंप्लीट। अगर आपको ये पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं। मैं जानना चाहूंगी कि ये वाला पाइल किसके लिए आया है, एंड इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला पेबल, लेट्स सी इसमें पीछे क्या लिखा है, हाँ, और ये वाला कार्ड, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। तो मैं शुरू करने वाली हूं आपकी रीडिंग यहां से, इन कार्ड से। कौन सा द्वार आपके लिए खुलने वाला है? Today for tomorrow. I won't cry for you. Ace of Cups, रिबोर्ड।
ऑल राइट गाइस, तो ये रहे आपके कार्ड्स एप्पल्स। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। ऑल राइट, इट्स ऑल अबाउट अ ट्विन फ्लेम जर्नी। जिन्होंने भी पाइल थ्री को चूज किया है, क्या मैसेज था? टेक चार्ज विद अथॉरिटी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपने इसको चूज किया है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। बहुत पुराने से मेरा मतलब है, हो सकता है कुछ लोगों को 10 साल हो गए हों इस कनेक्शन में रहते हुए। आप दोनों साथ हो, सेपरेशन नहीं है अभी तक, तो नहीं था। अभी नहीं पता कि पिछले कुछ दिनों में या हफ्तों में कुछ हुआ हो, क्योंकि हुआ तो है जरूर। और ये ऐसा नहीं है कि होता नहीं रहता है, ये आई थिंक होता रहता है। हर बार ही कुछ ऐसा देखने को सुनने को आपको मिल जाता होगा, सिचुएशन ऐसी बनती होगी, आपको लगता होगा अब बस हम अलग हो गए, अब नहीं मिलेंगे। फिर मिल जाते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर मिल जाते हैं। कुछ हुआ है हफ्ते दो हफ्ते पहले भी जो कि काफी पेनफुल है आपके लिए, बट फिर भी हम इसे सेपरेशन नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि सेपरेशन हुआ है, दर्द मिला है, सेपरेशन अभी तक नहीं है। और कोई एक, दोनों में से कोई एक इस कनेक्शन को खींच रहा है, ये मैं देख रही हूं। सी, ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि आपकी शादी होनी होनी है या आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होगी। चांसेस यही होते हैं कि ब्यूटीफुल नहीं होती। लोग ट्विन फ्लेम का नाम सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे ट्विन फ्लेम जर्नी, लेकिन जो है उस जर्नी में उनसे बात करो, वो क्या क्या झेल रहे हैं। तो ज्यादातर तो 99% चांसेस यही होते हैं जर्नी बहुत सुंदर नहीं होती, ये बस आपको कुछ सिखाने बताने के लिए होती है। कुछ लोगों की शादियां हो भी जाती हैं, बहुत से लोगों की नहीं होती हैं। बट ये यूनियन में आते हैं, सेपरेशन होता है, फिर यूनियन में आते हैं, फिर सेपरेशन होता है। बार बार दिल टूटता है, बार बार ये कुछ सीखते हैं, बार बार ये सब रिपीट होता रहता है। आपके साथ भी हो रहा है, और कोई एक है जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही मेहनत करते हैं, लेकिन यहां पर ये जिन्होंने अभी चूज किया है, कोई एक ही मेहनत कर रहा है, मैं देख रही हूं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ओके, एक चीज और है, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में देखूं, अगर आप लोग साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो वहां पर तो इक्वल गिव एंड टेक है। वहां पर जो बॉन्डिंग है आपकी, वो तो बस मतलब बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन ले आए, ऐसी बॉन्डिंग है। आप दोनों मिलकर अगर कुछ करना चाहो ना, तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, ऐसी है सोच आप दोनों की। थॉट्स आपके सेम है, काम करने का तरीका, मेहनत करने का तरीका, हिम्मत, जोश, सब कुछ बड़ी बनती है ना। अगर बिजनेस करते हैं तो बेशक दोनों के आइडियाज और काम करने का तरीका, मतलब कई बार ऐसा है कि लेट नाइट काम कर रहे हैं, दोनों में से किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, आज रात काम करते हैं, रात भर काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ ठीक है करते हैं, तो वो है। लेकिन अगर मैं इमोशनल सपोर्ट की बात करूं, यानी कि पर्सनल लाइफ में जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, वो नहीं है। यहां पर एक जो है वो तो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, लेकिन दूसरा नहीं है रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। अब ये आप भी हो सकते हो या सामने वाले का ये है, और इसका रीजन भी है। जो साथ नहीं रह रहा है ना इमोशनल लेवल पर आपके साथ, उसके पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं जिसके चलते वो नहीं आ पा रहा, पास आपके क्लोज नहीं हो पा रहा, वो अपने कार्मिक से मिल चुका है। अब ये आपका भी हो सकता है कि आप अपने कार्मिक कनेक्शंस में रहे हो, और कार्मिक कनेक्शंस जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, सभी को मिलते हैं ठीक है। तो कार्मिक कनेक्शंस ऐसे हैं कि वो आपको अंदर तक खोखला कर देते हैं, और उसके बाद उसी तरफ आगे बढ़ना, जिस जगह से हमें चोट मिली है उसी जगह पर वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, लव लाइफ इनकी अच्छी नहीं रही, और एक बार ही नहीं, आई थिंक 2 से 3 बार ही इन्होंने सेपरेशन झेला है, रिजेक्शन झेला है, तो ये नहीं है तैयार। तो एक व्यक्ति जो है वो तैयार नहीं है, दूसरा पूरी तरीके से तैयार है और रिस्क लेने को तैयार है, मैं देख रही हूं रिस्क लिया जा रहा है, ये है। और ये कनेक्शन ऐसे चल रहा है सिर्फ इस बात पर विश्वास करके कि यूनिवर्स कुछ अच्छा करेगी, और आगे बढ़े चले जा रहे हैं, तो ये चल रहा है यहां पर।
सो ये जो पोर्टल है ये क्या करने वाला है? देखिए इस पोर्टल में आपको ये रियलाइज करवाया जाएगा कि हर वो चीज जो आपको अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छी हो। अगेन मैं कहूंगी ऐसा नहीं है कि वो अच्छी ही नहीं है, जो चीज आपको नहीं मिलती वो आपके लिए अच्छी नहीं है, मैं ये बोल रही हूं। ओके, जैसे कई सारे फ्रूट्स हैं जो हम लेते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, तो फ्रूट तो कोई खराब नहीं होता, लेकिन कोई किसी को सूट नहीं करता, कोई किसी को सूट करता है। तो फ्रूट तो बुरा नहीं है लेकिन वो आपके लिए नहीं है। ओके, ये चीज आपको बताई जाएगी इस दौरान, ये जो पोर्टल चल रहा है ये आप रियलाइज करोगे, क्योंकि अभी जिसके साथ आप हो वो आपको बेस्ट लग रहा है। ओके, और आपको ये लग रहा है इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, कैसे छोड़ सकते हैं, ये परफेक्ट है, कंपैटिबिलिटी है यहाँ पर, थोड़े से हम प्रयास और कर लेते हैं तुम्हारा काम बन जाएगा, ये वाली चीजें चल रही हैं। ओके, अब यहां पर एक चीज मैं और कहूंगी, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये लाइक आपका पार्टनर है, ट्विन फ्लेम जर्नी वो बात है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्विंस को लेकर है, सिस्टर्स को लेकर, ब्रदर्स को लेकर, ट्विंस की मैं बात कर रही हूं, ठीक है। अब ये मैसेज किसके लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये मिला तो मैंने आपको दे दिया, ये ट्विंस को लेकर है। वैसे तो ट्विंस में यही देखा जाता है कि चीजें एक जैसी ही चलती हैं, लेकिन यहां पर ऐसे लग रहा है कि जैसे एक पॉजिटिव है दूसरा काफी निगेटिव रहता है, और उसकी निगेटिविटी उस व्यक्ति को जो कि पॉजिटिव एनर्जी में रहता है उसको असर डालती है, ये चीजें हैं यहां पर। ओके, तो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके लिए मैसेज ये है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि जो चीज आपको देखने में अच्छी लग रही है जरूरी नहीं वो आपके लिए अच्छी हो, इसलिए बेटर होगा कि इसको सरेंडर कर दो, इस पर बहुत ज्यादा मेहनत अब मत करो, आपने बहुत दिया है, अब बारी है आपके रिसीव करने की। अगर आपको सामने से वो मिल रहा है जो आपको कंप्लीट करता है तब ठीक है, अगर नहीं तो जाने दो। ओके, और अगर ये ट्विंस को लेकर है, मतलब भाई बहन है एंड बहने हैं या भाई भाई हैं, वो ये रीडिंग देख रहे हैं अपने भाई या बहन के लिए, तो उनको ये बोला जा रहा है कि आप अपने ट्विन को ये बताइए कि जो वो देख रहा है ना, जो भी देख रहा है, उसको कुछ चाहिए जो उसको नहीं मिल रहा, उसको आप ये बोलो कि हर वो चीज जो देखने में अच्छी लगती है वो अच्छी नहीं होती, ये आप उसको एक तरीके से आपने पढ़ाना है, बताना है। ओके, दो तरीके के मैसेजेस हैं जो यहां पर निकल कर आ रहे हैं, तो मैंने दोनों ही आपको समझा दिया, ठीक है। यस, यहां पर ये जो पोर्टल है आपकी हीलिंग के दरवाजे खोल रहा है, आप किसी हीलर से मिलने वाले हो, ठीक है, क्योंकि ये जो समय आया है ये समय हो सकता है, अगर आपकी फाइट हुई है आपके ट्विन से, आपके काउंटर पार्ट से, तो जो थोड़े समय का सेपरेशन होता था वो थोड़ा लंबा जाए, और ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप समझ सकें कि एक हद तक ही आप इस कनेक्शन को आगे खींच सकते हो अपने बल पर। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप अकेले रहते हो तो सामने वाले को, लाइक अगर आप किसी से अलग हो जाते हो तो सामने वाले पर इसका क्या असर बैठेगा, आई होप कि आप समझ रहे हो। अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में हो, आप 24 घंटे उसके साथ रहते हो, ठीक है, तो आपको ये लग रहा है कि हाँ सब सही चल रहा है, आप जरा अलग होकर देखो कि उस व्यक्ति को फर्क पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है, या फिर आपको फर्क पड़ रहा है तो कितना फर्क पड़ रहा है। जब भी सेपरेशन होता है तो इसकी वजह कोई एक व्यक्ति होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति हो जिसकी वजह से सेपरेशन हो, लेकिन फिर जो दूसरा व्यक्ति है ना वो भी कहीं ना कहीं सहमत हो जाता है आगे चलकर, उस वक्त आपको पेन होगा लेकिन आगे चलकर आपको लगेगा कि ये होना जरूरी था, सही था आपके लिए, ये हमेशा होता है। तो जब इस जगह पर आप आ जाते हो ना, जब आपको लगता है कि ये सही हुआ, तो उस वक्त आपकी हीलिंग हो जाती है, और वही हीलिंग यूनिवर्स चाहती है कि आपकी हो। अभी टाइम वो है कि जब आप ये कहो कि ओके अब मैं और नहीं रो रही, मैं अब और परेशान नहीं हो रही, मेरे आंसू इतने
फालतू के नहीं हैं जो मैं इस कनेक्शन के लिए बहाऊं। अगर आप नहीं बहा सकते तो मैं भी नहीं बहा सकती। तो उस जगह पर यूनिवर्स आपको भेजना चाहती है। तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की, या फिर ये कोई हीलर है जो आपको एक नई जिंदगी देगा, या फिर आप खुद ही खुद को एक नई जिंदगी दोगे। आप एक टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हो और एक बीमारी से आप छुटकारा पा रहे हो। क्रिस्टल्स एंड हर्ब्स, हो सकता है क्रिस्टल्स के थ्रू आप इस सब से हील हो पाओ, क्योंकि ये कनेक्शन आपके साथ है बट वो खुशी आपके साथ नहीं है जो होनी चाहिए किसी कनेक्शन के होने पर। ठीक है, वो मैं देख पा रही हूं, वो खुशी नहीं है, वो अधूरापन है, चिंता है, परेशानी है, बट फिर भी आप लड़ रहे हो क्योंकि आप गिव अप नहीं करना चाहते। आपको लगता है मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता, बट आगे चलकर आपको ये रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली आपको जीवन में क्या चाहिए। यूनिवर्स आपसे यही चाहती है कि आप इस तरीके से इस जैसा बिहेवियर रखो कि ओके, मैं तुम्हारे लिए नहीं परेशान होने वाली या होने वाला। हो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है। ओके, ये एटीट्यूड चाहती है यूनिवर्स आपसे इस कनेक्शन के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकता है यहां पर कोई, या फिर कैप्रिकॉन, STVWMOQZ से हो सकता है नाम शुरू होता हो, हेरोफेंट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप कोई एक चीज पाने के लिए लगातार मेहनत करे जा रहे हो, हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन अब ये समय मेहनत करने का नहीं है। जो आप कर चुके हो उसके लिए जो फल आपको मिलना चाहिए वो रिसीव करने का टाइम है। ओके, स्ट्रेंथ, आपको इस एनर्जी में आने की जरूरत है। यूनिवर्स रास्ते भी आपके लिए खोल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद से ही समझ जाओगे, कोई आपको समझाने वाला नहीं है। मुझे ये भी नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा डिस्कस करते हो किसी से, आप ये खुद समझने वाले हो। ये पोर्टल एक तरीके की एनर्जी आपके अंदर भरेगा, इस एनर्जी को भरेगा जिससे कि आपके अंदर हिम्मत आएगी और आप अपने लिए स्टैंड ले पाओगे। आप किसी और का वेट नहीं करोगे कि कोई आपके लिए स्टैंड ले, आप खुद के लिए स्टैंड लोगे। आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि आप क्या पाने की कोशिश कर रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो। ओके, ये होने वाला है और ये बहुत अच्छा है। और अगर ये हो चुका है, अगर ये हो चुका है तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप रोना बंद करो, जितना रोना था रो लिया, आपके आंसू इतने बेकार के नहीं है कि आप इस तरीके से बहाएं किसी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने आपको समझा ही नहीं। ओके, आप अपनी एनर्जी में आइए जिस एनर्जी में आप हुआ करते थे। सी, मैजिशियन की एनर्जी आ रही है आपके लिए। आप हो एक जादूगर, आप जिसे चाहो अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, अब जिसे चाहो से अब इस कनेक्शन को मत ले लेना। जिसे चाहो से मेरा मतलब है जैसी एनर्जी आप चाहो उसे अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, और अट्रैक्ट करो तो ऐसे किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करो जो कि जिसे आप डिजर्व करो। ठीक है, कई बार ना जब हम विजुलाइज करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ही याद रखते हैं, बाकी के नहीं। जैसे एक बार मेरे पास एक बच्ची आई थी, वो मुझे बोल रही थी कि मैं विजुलाइज करती हूँ ऐसा ऐसा करके पार्टनर, और वो मुझे मिल भी गया लेकिन वो तो मैरिड है। तो मैंने कहा कि ये पॉइंट आपने विजुलाइज किया था? बोली नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, बस यही हो गया। तो जिन चीजों से फर्क पड़ता है ना वो चीजें भी विजुलाइज किया करो, क्योंकि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, अपनी डायरी में लिखा करो। ओके, हर एक चीज का ध्यान रखना है। यहां पर भी मुझे वही लग रहा है, आपने जिसको भी मैनिफेस्ट किया वो सारी चीजें हैं उस व्यक्ति में, लेकिन कुछ एक चीज जो आप मिस कर गए ना वो भी है, नहीं होनी चाहिए और उसी की वजह से दिक्कत आ रही है। बट एनी वेज, ये ठीक हो सकता है। लेट्स सी और क्या यूनिवर्स कहना चाहेगी इस संबंध में, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत पुराना है तो मेरी बातें अच्छी तो बिल्कुल नहीं लगेंगी। लेकिन यकीन मानिए, आपका फ्यूचर बहुत सुंदर है, आपकी डेस्टिनी बहुत सुंदर है, इसीलिए ये चीजें हो रही हैं, अदरवाइज नहीं होती। बी प्रोएक्टिव, वरीसम थॉट्स, यूज योर विजडम। आपके अंदर का जो बुद्धा है ना उसको जगाइए, जब वो जाग जाएगा
तो ये दुख नहीं होगा, आप समझ जाओगे कि ये सब कुछ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों हो रहा है। ठीक है, एक तो चिंता करना बंद करिए, दूसरा ये जानने की कोशिश करिए कि किस तरीके के थॉट्स आते हैं आपको। आपको पता है आप फंसे हुए हो और आप इसको ना इंजॉय करने लग गए हो, इस पीरियड को, फंसे रहना, चिंता में रहना आदत बन गई। ऐसा हो जाता है, किसी भी एनर्जी में अगर हम लंबे समय तक बने रहे ना तो हमें उसी में मजा आने लगता है। लगातार दर्द मिले ना तो वो दर्द आपको सुकून देने लग जाता है, एडिक्शन सा है ये। फिर अगर आपको खुशी मिले ना तो वो आपको अच्छी नहीं लगती। मैंने कई लोगों को देखा है जो लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं ना, फिर अगर उनके उनके सामने कुछ ऐसा ना हो जिसके लिए वो स्ट्रगल करें तो उनको लगता है कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, उनका दिमाग चलना बंद हो गया है, वो यूं ही बैठे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये आदत पर, इस तरीके की आदत पड़ जाती है अगर आप प्रैक्टिस करते हो। तो अगर प्रैक्टिस करनी है तो अच्छी चीजों की करो, पॉजिटिव रहने की, कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट करने की, है ना। इस झंझट से, इस झमेले से बाहर निकलो आप लोग। यूनिवर्स भी वही कह रही है, ये पोर्टल भी वही, उसी तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि आप खुद ये फैसला लें कि आपके लिए क्या अच्छा है वो करें, और आपको करना भी चाहिए। ओके, तो अब यहां से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। चलिए भाई देखते हैं। सेवन कलर्स, हर एक रंग का अपना एक मतलब होता है, वो आपको समझ आएगा। कुछ कलर्स आपको पसंद होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो जो पसंद नहीं होते इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। ओके, प्रपोजल, तो किसी से प्रपोजल आपको मिल सकता है, तो ये भी एक तरीका है यूनिवर्स का आपको रियलाइज करवाने का कि क्या आपके लिए है सच में, क्या नहीं। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से आपको प्रपोजल मिले जिससे मिलने के बाद आपको ये रियलाइज हो कि कहां से मुझे यहां से क्या मिलना चाहिए था जो मुझे नहीं मिल रहा, इस व्यक्ति से मिल रहा है, इस चीज की कमी थी। राइट, मनी, आपको पैसा मिल सकता है आने वाले समय में। जस्टिस आपको मिलेगा, रेस्ट आपको मिलेगा, हाँ ये तो मिलना चाहिए क्योंकि होगी थकान आपके अंदर। पीस, शांति आपको मिलेगी, प्लस बुक, तो एक कोई किताब आपको मिल सकती है जिसमें आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिले। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला पेबल जो कि है रोज क्वार्ट्ज, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेपरेशन। ओके, और अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, तो चलिए देखते हैं भाई आपके लिए क्या निकल कर आता है। तो मैं सारे ही कार्ड्स एक साथ निकालूंगी गाइस, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है शफलिंग तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, ओके, रीजनरेशन, आप चाहें तो पाइल वन भी देख सकते हैं गाइस, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। ओके,
Four of cups, then we have the tower, three of, okay, एक कार्ड मुझे मैजिशियन भी है. चलिए तो ये रहे आपके कार्ड्स. जस्ट अ मिनट. ऑल राइट, पाइल नंबर टू. आई थिंक पहली बार मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ. इससे पहले मैंने कभी रीड करी नहीं है. अपनी फैमिली के लिए इस तरीके की एनर्जी आई नहीं है. ओके. ऐसा लगता है जैसे किसी गिल्ट में हैं आप लोग. कुछ तो आपने किया है जिसका जिम्मेदार आप मानते हो खुद को. किसी और के साथ किया और खुद के साथ भी किया है जिसका जिम्मेदार आप खुद को मानते हो, ऐसा नजर आ रहा है. एंड ये किसी के प्रभाव में आकर आपने किया है. कुछ तो है, जैसे हो सकता है आप कोई, आप मॉडल हो, मॉडलिंग करते हो, या एक्टर हो, एक्ट्रेस हो. कुछ तो है. जो भी विजन्स मुझे आ रहे हैं ना, वो उसी तरीके के आ रहे हैं. अच्छा, मेरे पास कुछ लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, स्पेशली वो लोग जो एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं. तो शुरुआत में ये दुनिया ना बड़ी चमकीली सी, धमकीली सी, सुंदर सी लगती है, राइट? लेकिन सभी के लिए आसान नहीं होती. कई सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है. कई ऐसे लोग हैं, इनोसेंट हैं, जिनका फायदा उठाया जाता है. हर एक के लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन फिर भी जर्नी हालांकि कोई भी आसान नहीं होती, लेकिन ये ऐसी है कि आपको बिल्कुल एक इसकी चमक दमक में ना आप फिर इतने अंधे हो जाते हो कि आपको सच्चाई नजर नहीं आती. मेरे पास जो बच्ची आई हैं काउंसलिंग के लिए, उन्होंने कई बार मुझे ऐसे बोला है कि हमसे ऐसा हुआ, अब हम इस गिल्ट में हम कैसे निकले. तो फिर मैंने उनको भेजा है थेरेपिस्ट के पास कि आप जाओ वहां पर, उनसे बात करो, आपको ठीक लगेगा, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है. तो ये गिल्ट भर जाता है कि मैंने अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी, मैंने खुद की नहीं सुनी, मैंने फ्रेंड्स की नहीं सुनी. उस वक्त वो दुनिया बहुत अच्छी लग रही होती है, राइट? तो वैसा ही कुछ है. मैं यहां पर देख रही हूं कि आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, और इसके बाद अब आपके अंदर गिल्ट है. मतलब इतना सब कुछ झेलने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद, फेस करने के बाद, जहां पर कोई एक लेसन होना चाहिए या प्राउड होना चाहिए, वो नहीं है. वो ना होकर एक गिल्ट है कि मैंने ऐसे कर लिया, अब क्या, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता. ये चीज मैं यहां पर ये भी देख रही हूं कि कई बार आपको बदलने के लिए बोला गया और आप बदले भी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने आपको क्या लगता है कि ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है? मुझे ऐसा लगता है आप पर कई सारी जो परिभाषाएं हैं वो थोपी गई हैं. यू नो, हाइट ऐसी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, आंखें ऐसी होनी चाहिए, नोज ऐसी होनी चाहिए, लिप्स ऐसे होने चाहिए, इस तरीके के कपड़े जो पहनते हैं वो ब्यूटीफुल हैं, इस तरीके की आवाज जिनकी निकलती है वो ब्यूटीफुल हैं, जो ऐसे करके हंसते हैं वो ब्यूटीफुल हैं, राइट? आपकी नजर में ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है? आई थिंक ये जो सारी चीजें आपके साथ हुई हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको यूनिवर्स ये बताना चाहती थी कि ब्यूटी की डेफिनेशन ये नहीं है लंबे चौड़े गोरे काले पतले मोटे. ब्यूटी की डेफिनेशन आपको उस वक्त समझ आती है जब खुद आप शीशे में खड़े होकर देखते हो और खुद को आपको जब फील होता है कि ओके, मैंने ये काम किया और ये प्राउड फील करने लायक है. देखो, हम सभी ये जानते हैं कि अच्छा और बुरा क्या है.
ऐसा तो है नहीं कि आपको समझ नहीं है अच्छे बुरे की, हम सभी को होती है। और ये समझ अगर हमें कोई ना भी दे, मान लो अगर हमारे पेरेंट्स हमें ना भी सिखाएं, हमारे रिलेटिव्स, हमारी सोसाइटी हमें ना भी सिखाए ये सारी चीजें, तो हमारी सोल जानती है। ओके, ये हमें जन्म के साथ ही कहीं ना कहीं मिलती है एक हद तक। उसके बाद फिर अलग बात है, कंडीशनिंग आपकी होती है, बट कहीं ना कहीं एक हद तक आपको पता होता है कि ये आप जब कर रहे हो ये गलत है, कुछ तो गलत है, ये सही है ना? तो आप जानते हो कि सही और गलत क्या है। तो जब आप शीशे में खड़े होकर खुद को देखते हो और आपको प्राउड फील होता है ना, उस व्यक्ति को देखकर, इसने इसने ये काम किया इतना बड़ा, तो वो ब्यूटी है। ये सारी चीजें ब्यूटी में नहीं आती जो आपको बताई गई, जिसकी वजह से आप बदले, जिन चीजों में आप फंसे। तो जो भी आपने झेला है और जिस गिल्ट में आप हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आप समझें कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है ब्यूटी की। आप जिस दर्द में अभी आप हैं और जिसकी वजह से आपने खुद को बंद कर रखा है, आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे, आपको झिझक हो रही है, आप सामने नहीं आना चाहते, आप लोगों को फेस नहीं करना चाहते, वो इसलिए है क्योंकि ब्यूटी की कहीं ना कहीं डेफिनेशन अभी भी आप समझ नहीं पाए हैं। अब आप कुछ और ही समझ रहे हैं जो लोगों ने आपको बोला। आप ब्यूटी को इस तरीके से डिफाइन करते हो कि सामने वाला देखकर मुझे क्या बोलेगा, है ना? नहीं, ये वो नहीं है, ये वो चीज नहीं है। ओके, जो भी हुआ अनएक्सपेक्टेड था और आप एक्चुअली कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन चीजें कुछ और ही मोड़ ले गई। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ज्यादातर ये उन्हीं से रेजोनेट करने वाला है जो या तो मॉडलिंग कर रहे हैं या एज एक्टर, एज एन एक्टर अपना करियर बनाना चाहते हैं। कुछ तो है यहाँ पर इसी टाइप का, डांसर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, कुछ इसी तरीके का उनका अपना सपना है। कई लोगों ने आपके साथ धोखा दिया है और आपको धोखा दिया है, और एक एक अलग ही फेस, जब हमें कोई धोखा देने आता है, कई लोग कहते हैं आपने धोखा कैसे खा लिया, आपको इतनी अकल नहीं थी, आपको समझ नहीं थी। जब हमें धोखा मिलना होता है, जो धोखा देता है वो ऐसे ही धोखा देता है, आपको वही बनकर दिखाएगा जो आपको पसंद है, राइट? तो वो चीजें हुई हैं आपके साथ। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ थे जो कि आपको बिल्कुल अपने जैसा लगा, क्योंकि उसने अपने जैसा बनकर दिखाया, फिर आप उसके बहकावे में आ गए और चीजें बिगड़ती चली गईं। ये होता रहा है और ये आई थिंक अब जाकर रुका है, लेकिन अब आपको लगता है कि कुछ भी रहा नहीं, आप कुछ सुधार नहीं सकते। ऑल राइट, तो ये पोर्टल क्या कर रहा है आपके लिए? इस पोर्टल में क्या होने की संभावना है? इस पोर्टल में होने की संभावना ये है कि ये एक्चुअली यूनिवर्स आपसे ये चाहती है कि या तो इस चैप्टर को आप पूरी तरीके से खत्म कर दो, ऐसे सोचो कि ये है ही नहीं, ये हुआ ही नहीं था, या फिर इससे सीख लेकर इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। जो भी हुआ है, दो दो ऑप्शंस हैं आपके सामने। मैं क्या करती हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती हूं। जो चीजें मुझे लगता है कि नेगेटिव थी, जो चीजें, जो मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा जिन चीजों को लेकर, मैं उसको पॉजिटिव तरीके से लेती हूं। मैं उसको भूलती नहीं हूं, भूलने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भूली नहीं जा सकती। आई थिंक आप भी ये मानते होंगे। हर एक चीज को, हमारे पास ऐसी कोई रीसेट का बटन नहीं है जिसको हमने दबाया और हम भूल गए, राइट? तो मैं प्रैक्टिस यही करती हूं कि उन सारे अनुभवों को मैं सकारात्मक दृष्टि से देखूं। लेकिन जिनके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि सकारात्मक दृष्टि से ही भले आप इसको देखो, बट वो मेमोरीज तो रहती हैं, वो याद तो रहेगी ना कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, राइट? अब जैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस तो था नहीं। अब अगर मैं याद करती हूँ, भले ही मैं पॉजिटिव तरीके से याद करती हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज एक एक भार सा तो लगता है ना कि ओके, मैं वैसे ही रहना सीखने लग गई थी। मैंने अपने घर वालों से कह दिया था आप मेरा हाथ वाथ मत पकड़ो, मैं खुद ही चलूंगी दीवार पकड़ पकड़ के। तो बहुत अच्छी मेमोरी तो है नहीं, बट फिर भी मैं उसको हैंडल कर लेती हूँ। लेकिन अगर जो लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये रहता है कि वो अपनी लाइफ से उसको बिल्कुल हटाने की कोशिश करें। अब जैसे मैंने कहा कि रीसेट का बटन नहीं है तो आप हटा नहीं सकते, बट उससे जुड़ी जो मेमोरीज है उनको मिटा तो सकते हैं। लाइक जब तक वो उस तरीके का इंसिडेंट आपके सामने नहीं होगा, तब तक आप उसको याद नहीं करोगे। जैसे आपके कई लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हम अपने एक्स को कैसे भूलें, मैं बोलती हूँ सबसे पहला काम करो जितने भी फोटोज हैं ना डिलीट कर दो, क्योंकि लोग नहीं करते। सेपरेशन हो गया है और वो आगे बढ़ रहे हैं, बट वो फोटोज डिलीट नहीं करेंगे, उनसे उनकी आत्मा जुड़ जाती है।
मैं कहती हूँ उसी को तो पहले हटाना है, जो चैट है उसको हटाओ, फोटोज हैं उसको हटाओ, आपके पास लेटर्स हैं, गिफ्ट्स हैं उनको हटाओ, हर एक चीज मिटा दो जो उससे जुड़ी हुई है, उससे अटैचमेंट मत रखो, रखोगे तो नहीं भूल पाओगे, तो वो कर सकते हो। तो यूनिवर्स आपसे ये चाह रही है कि आप ये करें। तो ये जो पोर्टल है ना, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, आपको इस पोर्टल से एक स्ट्रेंथ मिलेगी ये करने का। हो सकता है पहले भी आपको किसी ने सजेस्ट किया हो, जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन आपने किया नहीं। तो एक तरीके से यूनिवर्स ये चाहती है कि इस टाइम से आप सब कुछ भूलते हुए, सरेंडर करते हुए नई एक दुनिया बनाने की, बसाने की कोशिश करें। ओके, सब कुछ मिटाते हुए, तो ये आपको करना है। तो एक तरीके से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी करने की, बट फिर भी मैं देखूंगी कि कैसे ये कर पाओगे आप, क्योंकि मुश्किल तो ये है और सिचुएशन बन भी रही है कि आप खुद ही करो, बट फिर भी लेट्स सी। लेकिन हाँ, एक लेसन तो ले ही लो कि हर वो चीज जो अच्छी लगे, चमकती दमकती सी, उसके पीछे नहीं भागना है। ओके, बचपना अब नहीं करना है, हो गया तो हो गया लेकिन अब नहीं। सुनो दूसरों की भी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मून, सन। ओके, ये सन यहां पर कैसे आएगा, मतलब यूनिवर्स किस तरीके से। ऑल राइट, व्हाइट डेविल इज हियर। ऑल राइट, कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि एक मदर फिगर टाइप हो। ओके, अब यहां पर मैंने व्यक्ति कहा क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई मेल हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फीमेल हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी खुद की माँ हो। उनकी तरफ से आपको वो प्रोटेक्शन, वो प्यार मिलेगा जिसके चलते आप अपने इस कार्मिक साइकिल को भूल पाओगे, और बहुत ही जल्दी ये होगा, ये जो हीलिंग है ये बहुत जल्द होगी। सी, मैंने इसी कार्ड के लिए इसको निकाला था, ये बहुत जल्द होगी, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता लगेगा। ये जितने भी तकलीफें, दर्द आपके अंदर है ना, ये सब मिट जाएगा। तो ये कोई है, ये कोई लेडी है, एंड या कोई हो सकता है मेल भी हो, लेकिन इस एनर्जी के साथ, इस नर्चरिंग एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, और देन आपको अपने प्यार से हील करने वाला है ये जो भी व्यक्ति। यहाँ पर टू ऑफ कप्स है, यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूं कि हो सकता है जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा आपको तकलीफ दी, वही व्यक्ति वापस आकर आपको हील करे। ओके, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो मैं 50-50% बोलूंगी यहां पर। कुछ लोगों के लिए तो ये आपकी मॉम हो सकती है या कोई व्यक्ति है जो आपकी माँ की तरह होगा, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दी, दुख दिए, दर्द दिए, वही व्यक्ति अब आपके जीवन में आए और आपको हील करें। पॉसिबिलिटीज हैं, हाई पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, और आपको पता है जब तक मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाती, इतनी गारंटी के साथ नहीं कहती हूं। सो ये मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो पोर्टल है ये उसी व्यक्ति को आपके जीवन में लेकर आएगा, और यूनिवर्स ये चाहती है कि अब आप पुरानी जो भी चीजें हैं उनको या तो पॉजिटिव तरीके से लो या बिल्कुल हटा दो, खत्म कर दो। ओके, अगर ये आपके एक्स को लेकर है तब भी मैं कहूंगी उससे जुड़ी जो भी यादें हैं सारी हटा दो, फिर आता है व्यक्ति तो आ जाएगा। ओके, लेकिन इसको हटाओ, मिटाओ इसको। टू ऑफ कप्स अगेन, आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। नाइन ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी हो रही है। वेरी नाइस, वेरी गुड। टेम्परेंस, आप हील हो जाओगे, डोंट वरी। ओके, बिल्कुल आप हील हो जाओगे, हील होते हुए दिख रहे हो। मैं यहां पर आपके लिए क्रिस्टल्स भी देख लेती हूँ, हालांकि यहां पर आया है ब्लैक ऑब्सीडियन, बट फिर भी लेट्स सी कि क्या निकल कर आता है। ओके, तो ये क्रिस्टल आप बाय कर सकते हैं, आप चाहे तो सिट्रीन भी बाय कर सकते हैं, लगभग इसी के जैसा होता है ये जो चैलेंजिंग योर इमोशनल स्टेट, ये जो चीजें हो रही हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से इमोशनली आप बहुत ज्यादा लाइक हैवी सा फील करते होगे, तो ये जो क्रिस्टल है ये हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में, एंड
डू यू रियलाइज दैट यू आर मैग्निफिशेंट? ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये क्रिस्टल्स आप ले सकते हैं, कैल्साइट एंड रोडोक्रोसाइट, आई थिंक इसे कहते हैं, अगर मैं ठीक से बोल पा रही हूं तो. तो ये क्रिस्टल्स मेरे पास तो नहीं है, बट यू कैन बाय, अमेजन से शायद आपको मिल जाए. तो ये आपको हेल्प करेंगे इससे बाहर आने के लिए. आप देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं जो आप रिसीव करने वाले हो. आज मुझे इतनी बारी कैमरा बीच बीच में ऑफ करना पड़ा है ना, इतना शोर हो रहा है यहाँ पर, परेशान हो गई हूँ आज. बट कोई नहीं, चलता है, ऐसे तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है हर दिन. ओके, तो लेट्स सी आप क्या रिसीव कर रहे हैं. विजडम, बेशक इसकी तो जरूरत भी है आपको और आप ये रिसीव करने वाले हो. नॉलेज आपको मिलेगी, जो यूनिवर्स दे रही है ब्लेसिंग्स आपको. और खुलजा सिमसिम, डेटिंग, यस, वो तो मुझे लग रहा है कि आप किसी को डेट करने वाले हैं. पीस, ये सभी के लिए आया है आई थिंक. एंड जर्नी, न्यू जर्नी आपकी शुरू होगी. गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, कंग्रेचुलेशंस. ग्रीन यहां पर कितनी बार ही आया है, एंड ये कलर भी आया है, दोनों ही हीलिंग के हैं. एंड यहां पर क्या है, सॉरी सॉरी, सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिलने वाला है. एंड अगेन हेल्प. ओके, ग्रीन एवेंचुरियन अगर पहन सके तो पहने, अच्छा होगा. तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो. पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय.